तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ कामे 2.0। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं भाई लोग? हमें नहीं पता, चल। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ कामे 2.0। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, ऑल्सो नोन एज वाओ, और हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क, जो कि खुला है 2 साल बाद। एंड ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं नोएडा सेक्टर 18, आई गेस। तो हम लोग तो वैसे भी गाड़ी में है हितेन के साथ, और सारे अपने स्कूल के दोस्त आ रखे। तो वहाँ पहुँच के मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा, टिकट, टाइमिंग्स, लोकेशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और अदर डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो फटाफट से हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं वाओ, जो कि खुला है 2 साल बाद। ये देखो गाइस, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टिकट काउंटर में भीड़ लगी हुई है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में यहाँ पे टिकट का प्राइस वगैरह सब बताऊँगा। और ये सारे अपने दोस्त वगैरह आ चुके हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ का टिकट काउंटर है। आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे लॉकर का रेंट के बारे में भी लिखा हुआ है। तो गाइस, हम लोगों ने तो वैसे जो है ऑनलाइन टिकट बुक करवा ली थी, तो हम लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन जो अपना स्क्रीनशॉट था वो उन लोगों को दिखाया, और हम लोगों को जो है टिकट मिल गई है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन में टिकट बुक करना चाहो तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ अराउंड 1300 की पड़ेगी, और अगर आप लोग यहाँ से आके लोगे तो आप लोगों को 1500 की पड़ेगी। बाकी जो भी डिटेल्स वगैरह है, लोकेशन, टाइमिंग्स, वो आप लोगों को स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और हम लोग लॉकर वगैरह लेंगे और आप लोगों को सारा कुछ दिखाएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है। 05 की पड़ी है, और 100 रुपीज़ का CAGST और 100 रुपीज़ का SGST। और 11 बजे से अभी खुलेगा, तो यहाँ पे वेटिंग वगैरह चल रही है, और ये सारे अपने भाई लोग वगैरह वेट कर रहे हैं। और अभी टाइम हो चुका है 10:40, तो 11 o'clock से खुलेगा, फिर एंट्री होगी। तो गाइस, अभी जो है हमारी एंट्री हो चुकी है, और अब हमें लेना है लॉकर, लॉकर वगैरह लेंगे, और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, और फिर हम लोग जाएंगे वाटर पार्क। गाइस, ये यहाँ का लॉकर का काउंटर है, आप लोग देख सकते हो। लॉकर का रेंट है 150, रिफंडेबल डिपॉजिट है 250। टोटल आप लोगों को देने पड़ेंगे 250 प्लस 150, 400 रुपये। देखो गाइस, ये यहाँ का लॉकर का सीन है, ये कुछ साइज़ है लॉकर का, और अपना जो लॉकर है वो है 1026। तो इतना साइज है लॉकर का, ये आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को चाबी मिलेगी, तो चाबी तो अभी मेरा दोस्त ले गया है, वो मैं दिखाऊंगा चाबी आपको थोड़ी देर में। बाकी भी सारा सामान वगैरह इस लॉकर में रख रहे हैं। ये देखो गाइस, जैसे आप लोग बाहर आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को रेन डांस मिल जाएगा, और यहाँ राइट में आप लोगों को अगर कॉस्ट्यूम वगैरह लेनी हो तो उसका भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। मैं आप लोगों को प्राइस एक बार दिखा देता हूँ, जिसका रेंट वगैरह है। ये देखो गाइस, ये लॉकर की है, ये ऐसे आपके रिस्ट में बन जाएगा, जैसे कहीं भी निकले ना। और यहाँ से एंट्री है, और आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। कैसा लग रहा है अंकुर तेरे को आज? भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा यार। क्यों भाई, क्या हो गया? ज़्यादा है भाई, भीड़ तो है ही ना भाई, क्या कर सकते हैं। कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। ये तो है, वर्थ तो है ना, सारी राइड्स कर लिया, मजा तो आ रहा है। पर्पल वाली है भी, वो दिखाएंगे, उसमें जुम जाना जो भी है। हाँ भाई, मजा तो आ रहा है भाई, एकदम पैसा वसूल है। लेकिन गाइस, भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये खुलने लग गया है, और सबको लोगों को पता चल रहा है, और थोड़ी सी आवाज भी खराब हो गई। ये देखो, ये किड्स का है, यहाँ पे किड्स सेक्शन है ये। ये देखो गाइस, यहाँ का वेव पूल है, और यहाँ की टाइमिंग लिखी हुई है वेव टाइमिंग्स की। तो इस टाइम पे जो है यहाँ पे वेव आती है, और ये रहा हमारा अनमोल। ये कैसा लग रहा है तुझे? मजा आ गया है, मजा आ गया ना। 5 मिनट में वेव आने वाली है, सब देखना भाई। वही तो भाई, 5 मिनट में वेव आ रही है, उसके बाद आप लोगों को वेव दिखाएंगे। देखो गाइस, वेव स्टार्ट हो चुकी है, वेव आ गई है, वो देखो, वो सामने से वेव आ रही है। ये देखो भाई, मैं जूम करके दिखा देता हूँ भाई। साइड हो रही है वेव, तो वेव मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मैं थोड़ी सी आप लोगों को राइड्स वगैरह दिखा देता हूँ, और राइड्स के जो मैं अंदर वगैरह जाऊँगा नहीं, क्योंकि फोन है मेरा वाटरप्रूफ तो है नहीं।
इमोशनल टाइम। तो आप लोगों को बार बार से एक बार मैं आइडिया दिखा दूंगा कि कैसी वहाँ की राइड्स है, कौन सी राइड्स ओपन है। तो हम लोग अब चलते हैं राइड्स की तरफ। तो दोस्तों एक तो ये वाली राइड है जिसमें आप लोग इस ट्यूब में बैठोगे और पूरा वाटर पार्क का एक राउंड मारोगे और उसकी एंट्री वहाँ से है। और देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है वहाँ पे। शायद एक सिंगल ट्यूब भी है और डबल ट्यूब भी है और मेरे हिसाब से शायद फोर की ट्यूब भी होती है, बट वो दिख नहीं रही है। बट हाँ, सिंगल और डबल की ट्यूब यहाँ होती है। पूरा आप ऐसे एक चक्कर मारोगे पूरे एक वाटर पार्क का। ये देखो गाइस, ये कुछ राइड्स हैं यहाँ पर जो आप लोगों को मिल जाएंगी, रेड येलो ग्रीन। कुछ कवर्ड हैं तो कुछ कवर्ड नहीं है। और ये सारी हम लोग जो है एक्सपीरियंस करके बैठ चुके हैं, तो काफ़ी बढ़िया राइड्स है ये। अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा हाइट की राइड्स लेनी है तो वो उस साइड पे है, वहाँ कहीं साइड पे। और थोड़ा सा यहाँ पे कम हाइट वालों के लिए ये वाली राइड्स हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे दो सेक्शंस है। एक सेक्शन ये है जो बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप की राइड्स हैं और एक सेक्शन ये है। तो इस वाली में आप जब भी जाओगे तो आप लोग वो जो पर्पल वाली है ना वो तो ज़रूर ट्राई करना। वो दो बंदों की है, दो बंदों को उसमें ट्यूब में बैठाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वैसे मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सारी राइड करना, लेकिन वो पर्पल वाली ज़रूर करना। और ये देखो, ये यहाँ का लाइन है, यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम तो सारी राइड वैसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बट सॉरी टू से मैं अपना फ़ोन लेके नहीं जा सकता किसी भी राइड पे, क्योंकि फ़ोन खोने का डर है ना, तो इस चक्कर में लेके नहीं जा सकता। और यहाँ पे देखो ये वाली राइड्स हैं, वो जो येल्लो वाली है वो यहाँ की सबसे हाईएस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट राइड यही है। तो ये वाली भी ज़रूर ट्राई करना जब भी आप लोग आओ, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये वाली चार बंदों की राइड है जिसमें एक मैट पे आप लोगों को बैठा देते हैं, तो ये वाली भी काफ़ी अच्छी राइड है। लेकिन येल्लो वाली राइड में तो भाई बहुत ही ज़्यादा डर लग गया था, बहुत ही ज़्यादा डर। आप देख सकते हो वो कितनी ज़्यादा हाइट पे है। तो जब भी आओ ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन तो ज़रूर ट्राई करना। ये देखो ऐसी ट्यूब्स लेके जानी होती है, यहाँ से जो है बंदे ट्यूब्स लेके जा रहे होते हैं। ये वो चार वाली राइड है गाइस, जिसमें बंदे मैट पे बैठ के सामने से आते हैं। ये देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची राइड है, वहाँ से बंदे आते हैं। ये देखो गाइस, ये है यहाँ की सबसे ज़्यादा ऊंची राइड, ये येलो वाली। ये देखो कितनी ज़्यादा ऊंची राइड है यार। तो ये वाली तो ज़रूर आप लोग ट्राई करना जब भी आओ। तो गाइस हम लोग तो अभी वापस आ चुके हैं, 4 बजे ही वापस आ चुके हैं। कैसा लगा लक्ष्य तेरे को वाटर पार्क आके? भीमताल से दिल्ली आया और वाटर पार्क आया, कैसा लगा? ठीक ठाक था ना, मतलब क्योंकि यार भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो हमारा प्लान था 5:30-6 बजे तक रुकने का, बट हम लोग तो भाई 4:20 पे ही वापस आ गए। अब जाएंगे कुछ खाने पीने, क्योंकि लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। बाकी हाँ 1300 में ठीक ठाक था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बस यही एक रिग्रेट है कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, एक एक राइड को करने के लिए 15-15, 10-10 मिनट खड़ा रहना पड़ रहा था। बस वही एक बात है, बाकी तो ओवरऑल सही एक्सपीरियंस था। तो अब जाएंगे कुछ खाएंगे पियेंगे फिर घर जाएंगे।